उत्तर भारत में भीषण गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। लू और हीट वेव ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। आम आदमी के साथ साथ चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी भी मर रहे हैं। पिछले 72 घंटों का ही अगर आंकड़ा उठाकर देखें तो हीट स्ट्रोक ने 99 जिंदगियों को निगल लिया। इससे देश भर में मरने वालों की संख्या 200 के पार हो चुकी है। भारत मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम मध्य और पूर्वी भारत में अगले 3 दिनों तक पारा गिरा रहेगा और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। दिन में तेज धूप तो रात में बारिश के आसार हैं। ओडिशा में पिछले 72 घंटों के भीतर हीट स्ट्रोक से 99 लोगों की जान चली गई। अब तक 141 मौतें हो चुकी हैं। बिहार के औरंगाबाद में चुनाव ड्यूटी पर तैनात एक कांस्टेबल की हीट स्ट्रोक से मौत हो गई। इसके साथ अब देश भर में मरने वालों की तादाद 211 हो गई है। ओडिशा में जानलेवा बन चुका है हीट स्ट्रोक। 72 घंटे में 99 लोगों की मौत हो गई। हीट स्ट्रोक से अब तक 141 का जो आंकड़ा था वो बढ़कर 200 के पार हो गया। अब बात करते हैं कि ये जो हीट स्ट्रोक जिसका जिक्र हो रहा है, जो कि जानलेवा है आज की डेट में, इसके लक्षण हैं क्या? शरीर का तापमान 104 डिग्री या फिर अगर उससे ज्यादा है, शरीर से अगर पसीना निकलना बंद हो गया है, दिल की धड़कनें अगर तेज हो रही हैं, कंफ्यूजन, असंतुलन और दौरे की स्थिति, डायरी की समस्या, त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं ना वो, या फिर तेज सिर दर्द, मांसपेशियों में अकड़न हो रही है, कमजोरी महसूस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं या फिर हो रही है बेहोशी, तो ये हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं। देश भर में अब तक हीट स्ट्रोक के अगर असर की बात करते हैं तो 72 घंटे में ओडिशा में ही मात्र 99 लोगों की जान गई। एक इकलौते ओडिशा में 100 लोगों की करीबन जान चली गई। ओडिशा में जानलेवा बनी हीट स्ट्रोक, और ऐसे में बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, 99 लोगों की जान गई है हीट स्ट्रोक से। अब तक 200 के पार आंकड़ा हो चुका है मौत का। बड़ी खबर इस वक्त की हीट स्ट्रोक को लेकर। हीट स्ट्रोक इस वक्त लोगों को परेशान कर रहा है। लगातार बढ़ता ये तापमान लोगों की परेशानियों को बढ़ा रहा है, और आलम यह है कि अभी इससे कोई राहत मिलती भी नजर नहीं आ रही है। लगातार लोगों की जान जा रही है। सोचिए इस वक्त जिस तरीके से लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। अभी तो कई रिपोर्ट से भी कहती नजर आती हैं कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके बच्चे के लिए भी ये हीट स्ट्रोक खतरा है, और अगर इस तरह के कुछ भी सिम्टम्स नजर आते हैं तो तुरंत प्रभाव से डॉक्टर के पास जरूर जाया जाए। ओडिशा में इतना ज़्यादा तापमान है, उत्तर भारत की अगर बात करते हैं तो इतना ज़्यादा तापमान इस वक्त है कि लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। ओडिशा में सोचे 99 मौतें, उत्तर भारत में कई जगहों पर आगजनी, लोग बेहाल हैं। ओडिशा में अब तक 141 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 3 दिनों की अगर बात करते हैं, 99 लोगों की सनस्ट्रोक से मौत हुई है। तमाम कलेक्टर्स ने रिपोर्ट में 20 मौतों की पुष्टि की है। अभी तक 107 मामलों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। और मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो बताएंगे उनके राज्य का इस वक्त हाल क्या है। लखनऊ से रहेंगे आशुतोष मिश्रा, पटना से रहेंगे अस्मित सिन्हा, भोपाल से रहेंगे अखिलेश सोलंकी, और रांची से रहेंगे धनंजय मंडल मेरे साथ। शुरुआत सीधे लखनऊ से करते हुए, यूपी की राजधानी लखनऊ का आशुतोष क्या हाल है, क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है, लोग बचाव किस तरीके से कर रहे हैं और हीट स्ट्रोक का असर लोगों पे कितना देखने को मिल रहा है? बिल्कुल पूजा, देखिए अभी इस वक्त लगभग 12 बज रहे हैं, और इस वक्त अगर बात करें मौसम की तो लगभग 41 डिग्री सेल्सियस तक पारा जा चुका है। कल शाम तक गर्मी, भीषण गर्मी थी जिस वजह से लोग काफ़ी परेशान थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई है। पूर्वोत्तर से जो हवाएं आ रही हैं उससे थोड़ी राहत महसूस जरूर हो रही है। 132 साल के रिकॉर्ड को गर्मी ने इस बार तोड़ दिया है। आप यकीन मानिए कि 11 बजे के बाद से लखनऊ की सड़कें खाली हो जाती हैं, लोग अपने घरों में चले जाते हैं। हालांकि सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है और उन्होंने अपने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही न हो, अनावश्यक बिजली की कटौती न हो, यदि कहीं ट्रांसफार्मर खराब हुए हो तो उनको तत्काल बदला जाए। तो सरकार ने तमाम व्यवस्थाएं की हैं, लोगों का ध्यान रखा है, जगह जगह पानी की व्यवस्था की गई है, जूसेस की व्यवस्था की गई है। कल वैसे ही चुनावी पारा बढ़ने वाला है, तो उससे पहले सीएम योगी नाराज भी हुए कि बिजली की कटौती इतनी क्यों हो रही है, और उसको लेकर सुना फटकार भी लगी है। मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। अस्मित सिन्हा के माथे से टपकते पसीनों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त क्या हालात है। अस्मित, क्या टेम्परेचर है इस वक्त वहाँ?
बिल्कुल पूजा, देखिए अभी फिलहाल 12 बजे का समय है और अभी 42 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है पटना में। पटना समेत बिहार के कई जिले प्रभावित हैं और भीषण गर्मी की चपेट में है। कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, मतदान के वक्त भी कई मतदान कर्मियों की जाने गई, बच्चे बेहोश हुए। लिहाजा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने फिर भी स्कूल में छुट्टियां नहीं दी थी, लेकिन ये बात जैसे ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संज्ञान में आया है, स्कूलों में छुट्टी तो है लेकिन अभी पटना के लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अभी मॉनसून एंट्री करने में लंबा समय है, क्योंकि 13-14 या फिर 15-18 के बीच मॉनसून प्रवेश करेगा, लेकिन उसके पहले बिहार में जब मॉनसून हिट करता है उसके पहले भीषण गर्मी पड़ती है और ये पूरा मई जून का महीना जो है इतनी गर्मी है कि लोगों की जो संख्या है रोड पर फिलहाल आपको नजर आएगी मेरे पीछे, लेकिन जैसे ही 1-2 बजेंगे संख्या कम हो जाती है क्योंकि लोग घरों में रहते हैं और इतनी गर्मी है कि आप एक जगह खड़ी हैं, मैं खुद खड़ा हूं अभी और लगातार जो है पसीने वो रुकने का नाम नहीं, इतनी गर्मी है बिहार में। और इसके साथ साथ बिहार के जो बगल वाले हिस्से हैं, बिहार के जो जिले हैं उसमें भी कई लोगों की जान गई है हीट स्ट्रोक से, वहाँ पर लू का को लेकर के अलर्ट है, यहाँ पटना में भी अलर्ट किया गया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से आप बहुत ज़्यादा इंतजाम नहीं कह सकती। मेरे पीछे आप देख सकती हैं पटना नगर निगम की तरफ से 1-2 घड़े रखे गए हैं कि लोग अब जो आने जाने वाले लोग हैं वो थोड़ा पानी का सहारा ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा प्रशासन की तरफ से ना तो लोगों के लिए कोई सुविधा है या फिर वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन से यहाँ पर पानी का छिड़काव होता था एक समय, लेकिन अब वो पटना की सड़कों पर आपको नजर भी नहीं आएगा। तो लोग परेशान हैं, मजबूर हैं काम करने के लिए, इसलिए काम के लिए वो निकलते भी हैं, लेकिन 2-3 बजे के लगभग पटना के सड़कों पर आवाजाही थोड़ी कम होती है, लोगों की संख्या थोड़ी कमती है। अभी फिलहाल बिहार के लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाला पूजा। ये पटना नगर निगम ने शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की हुई है, कुछ इस तरह के इंतजाम किए जा, लेकिन झुलसा देने वाली इस गर्मी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। सीधे अखिलेश सोलंकी का रुख करते हैं भोपाल से। अखिलेश, भोपाल के हाल क्या है इस वक्त? पूजा, अगर 2 दिन पहले की बात करते तो बहुत तपिश थी, लेकिन नवतपा खत्म होने के बाद कल रात को भी कुछ बारिश देखने को मिली भोपाल में, और मौसम विभाग का अलर्ट है कि पूरे मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन बारिश हो सकती है। यानी टेम्परेचर जो 45 और 48 टच कर रहा था, 40 और 42 के आसपास ही ठिठक रहा है, लेकिन हीट स्ट्रोक का किस तरह से असर है उसका एक एग्जाम्पल सामने आया है। जबलपुर के जो कलेक्टर है दीपक सक्सेना, उनके बेटे दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, और वहां पर उनकी मौत हो गई, 21 साल के बेटे की मौत हो गई है। तो दिल्ली का जो आलम है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, लेकिन आज मध्य प्रदेश में कुछ राहत है और उम्मीद ये कर रहे हैं कि शाम तक बारिश भी पड़ सकती है। पूजा, कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं इस हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए, और इस वक्त बाजार का क्या हाल है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो आमतौर पर गलियों में, नुक्कड़ पे, चौराहों पर जो दुकानें होती हैं उनका तो काम ठप हो चुका है। देखिए, पिछले अगर 9 दिन की मैं बात करूं, 9 तपे की बात करूं, तो नगर निगम ने कुछ इंतजाम किए थे, जैसे पानी के छिड़काव की बात हो सड़कों पर, दूसरा जो सिग्नल्स था उनका ड्यूरेशन आधा कर दिया गया था, और सिग्नल जो लगे हुए हैं उनके आसपास शामियाना बना दिया गया ताकि जो 2-व्हीलर वाले हैं वो कम से कम जब सिग्नल पर रुके तो धूप सीधी उनको नुकसान ना पहुंचाए, उस तरह के इंतजाम किए गए थे। मार्केट का अगर मैं जिक्र करूं पूजा, तो 12 से 4 के बीच कमी मार्केट खुल रहे हैं, और खुल भी रहे हैं तो लोग बहुत कम पहुंच रहे हैं, तो उस तरह की स्थितियां थी। जो भी खरीदारी है सवेरे 11 बजे तक हो रही है और फिर 4 बजे के बाद एक तरह से बाजार गुलजार हो रहे हैं। जी, सीधे धनंजय का रुख करते हैं रांची से। धनंजय भी इस वक्त हमारे साथ में है। धनंजय, रांची का तो बड़ा बुरा हाल है, क्या तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है, क्या तापमान इस वक्त है? प्रशासनिक स्तर पर अगर देखा जाए तो क्या इंतजाम है? पूजा, देखिए, मौसम विभाग में ही मौजूद है और तस्वीर आपको दिखाते हैं। रांची की अगर बात करें तो 2 दिन से बारिश हो रही थी कई इलाकों में, लेकिन पलामू और गढ़वा के साइड में 47 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर, रांची के आसपास इलाकों में टेम्परेचर डाउन था, अभी भी 35 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन आज शाम के बाद से टेम्परेचर के बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। तस्वीरें देखिए, हम आपको मैप के नज़र में दिखाते हैं, और हम जो अभिषेक आनंद जी हैं रांची मौसम विभाग के प्रमुख, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर अब 1 हफ्ते में क्या मौसम का अनुमान है और झारखंड वासियों को राहत मिलेगी या फिर मॉनसून आने में देरी है, तमाम चीजों को बात करने के लिए हमारे साथ अभिषेक आनंद जी है। अभिषेक जी, रांची की अगर बात करें, पूरे झारखंड की बात करें, क्या स्थिति है और कुछ राहत भरी खबर है क्या? अभी तो 2 दिन से तो हर जगह में, इनफैक्ट बात करें तो पूरे झारखंड में 4-5 दिन से जो मौसम है उसमें थोड़ी सी ठंडक आई है, टेम्परेचर जो है बिलो 40 था, एक्सेप्ट फॉर द पलामू रीजन, जिसमें पलामू, गढ़वा, चतरा की बात की जाए तो वहाँ भी पिछले 2 दिनों से जो पारा है 41-42 के आसपास में ही गया है, जो 45 डिग्री 47 डिग्री जा रहा था उससे राहत थी। कल के बाद से फिर से एक बार पारा
थोड़ा सा बढ़ेगा। आज में भी कहीं भी हीट वेव की कोई चेतावनी नहीं है और कल से एक बार पारा बढ़ेगा, जिसमें से थोड़ा सा चांसेस है कि कुछ भाग पलामू संभाग के गढ़वा पलामू कुछ हीट वेव आ सकता है। उसके बाद से जो हीट वेव की स्थिति है वो थोड़ी सी बढ़ती जाएगी, क्योंकि कल से जो है जो अधिकतम तापमान है उसमें अगले 3-4 दिनों में 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी, जिससे कि हीट वेव की स्थिति धीरे धीरे आपको आती हुई देखने को मिलेगी और 6-7 तारीख से इसमें थोड़ी सी और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तापमान बढ़ेगा लेकिन अभी राहत नजर आ रही है और बढ़ता हुआ। मैं तमाम अपने सहयोगी के पास वापस लौट रही हूँ, लेकिन इस बीच उस खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ हैं जिनके साथ में चर्चा करेंगे ताकि लोगों को राहत मिले और लोगों को पता चले कि अगर हीट स्ट्रोक का सामना वो लोग कर रहे हैं तो उसके लक्षण क्या है, किस तरीके से बचाव किया जा सकता है। डॉक्टर नरेश चावला मेरे साथ हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के, और हमारे साथ में डॉक्टर आनंद आर्या हैं जो कि मौसम वैज्ञानिक हैं। दोनों का ही एक बार स्वागत है। और सबसे पहले डॉक्टर नरेश चावला आपके पास आते हुए सवाल ये है कि जिस तरीके से हीट स्ट्रोक के कारण लोगों की जान जा रही है, और ऐसा नहीं कि इसमें आम खास सब देख रहे हैं कि सबका नंबर है, किस तरीके से लोग अपना बचाव कर सकते हैं, कैसे उनको पता लगे कि ये हीट स्ट्रोक का अटैक उनके ऊपर है जो जानलेवा है? देखिए पूजा, इतना मुश्किल भी नहीं है, हालांकि सबने बताया है मेड डिपार्टमेंट ने अगला महीना ऐसे ही गुजरना है ओवरऑल, तो हमें थोड़ा सा बेटर प्रिपेयरनेस चाहिए। तो मैं हमेशा कहता हूँ बच्चे जो 10-12 साल से कम के हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ और लैक्टेटिंग मदर्स दूध पिलाती माओं को, और जो लोग 60-70 से ऊपर हैं और प्लस जिनको कोमोबिलिटीज़ हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारा इतना ज्ञान देने के बावजूद भी मौतें हो रही हैं, तो क्यों हो रही हैं? तो इन लोगों को जिनको कोमोबिलिटीज़ हैं, कोई अनकंट्रोल्ड शुगर है, चक्कर पहले से आते आते हैं, कोई लिवर लंग हार्ट डिसीज़ किडनी डिसीज़ पहले से है, या कोई हैवी मेडिकेशन पे हैं, तो उनको तो मैं कहूँगा 9-9:30 लेके शाम। नरेश चावला जी लगातार बने हमारे साथ में, मौसम वैज्ञानिक जल्दी हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनके साथ भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि हीट वेव जो कि लोगों को परेशान कर रही है, डॉक्टर नरेश चावला आप अपनी बात पूरी कीजिएगा प्लीज। देखिए पूजा, जैसा कि मैं बता रहा था इतना मुश्किल भी नहीं है, तो हमारा उद्देश्य यह है कि आपके चैनल के माध्यम से लोगों को थोड़ा ज्ञान दिया जाए और अमल के लिए कहा जाए। तो जैसा कि मैं कह रहा था, छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज़, लैक्टेटिंग मदर्स और 60-70 से ऊपर के लोग, और जिनको दूसरी बीमारियाँ हैं, चाहे वो छोटी उम्र के भी हैं, इनको अनकंट्रोल्ड शुगर है, लंग डिसीज़ है, हार्ट डिसीज़ है, किडनी डिसीज़ है, उनको अपना विशेष ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अपना दवाएँ टाइम पर लेना, ब्लड प्रेशर हाई लो नहीं होना चाहिए, आपका शुगर ज़्यादा गिरना नहीं चाहिए, और जो एक जनरल सलाह है वो यही है कि अगर आप घर से निकलें भी तो अपने सर को ढकें, कोई अंगोछा या कोई दुपट्टा लेडीज यूज़ कर सकती हैं, डार्क कलर यूज ना कीजिएगा, लाइट कलर्स नीला या सफ़ेद कलर या येलो टाइप कलर इस्तेमाल करें, लाल या काला कलर ना इस्तेमाल करें, आँखों को चश्मे से डार्क गूगल से ढकें, और उससे इम्पॉर्टेंट जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट बताऊँ, पानी नियामत है, पानी ही आपको बचाएगा। 2 लीटर की बोतल लेके चलें और पानी छोटी छोटी मात्रा बार बार पीते रहें, प्लेन वाटर हो, लेमन वाटर हो, कोकोनट वाटर हो, वो एडमिनिस्ट्रेटर एनी पार्ट ऑफ द इंडिया आई वुड से, कुछ ना कुछ छोटे मोटे इंतजाम, कुछ छबीले लगाना, आसपास कुछ इंतजाम करना बहुत ही जरूरी है। और इससे भी ज्यादा जरूरी है कि जो लोग थोड़ा सा इस मौसम में बाहर के खाने खाते हैं या बाहर का खुला पानी या मशीना का पानी पीते हैं, तो न केवल हम डिहाइड्रेशन से मर रहे हैं या स्ट्रोक से मर रहे हैं, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उनसे बचना भी बहुत जरूरी है। जितना हो सके हाइजेनिक खाना लीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट है खुद को हाइड्रेटेड रखना और अपने आप को धूप से प्रोटेक्ट करना। हमारे साथ में डॉक्टर आनंद आर्य भी हैं। सर, अभी कोई राहत मिलने के आसार हैं क्या? देखिए, मौसम के बारे में तो कह नहीं सकते, क्योंकि जब मानसून आएगा अपने समय पे आएगा, और इसका जो समय है आने का वो भी कभी आगे हो सकता है, कभी पीछे हो सकता है, और जैसा कि हमेशा होता रहा है। पर अब ये है कि जब से हमने जलवायु प्रणाली को ध्वस्त किया है पिछले 25-30 साल के अंदर, और उसी के और उसका उसके कारण साफ हैं, हमने पेड़ काटे हैं, हमने नदियां ख़राब करी हैं, हमने हमारे जितने भी जल के स्रोत थे उनका ध्यान नहीं दिया, वेटलैंड्स का ध्यान नहीं दिया, गांव के अंदर जो पौंड होते थे वो नहीं ध्यान रखा जा रहा, ग्रीनरी ख़त्म होती जा रही है। अब आपने जितने भी 4-5 शहर का नाम लिया, मैं दिल्ली के बारे में तो पूरी तरह जानता हूँ, नोएडा के बारे में जानता हूँ, उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत जानता हूँ। यहाँ पे देखिए, इतना जो शहरों का
बढ़ाव है जो हर तरफ बढ़ता चला जा रहा है, वहाँ हमने पेड़ काटे हैं, जबकि पहले वहाँ पे खेती होती थी, ग्रीनरी होती थी, पेड़ होते थे, और उसकी वजह से आपका जो दिन का तापमान होता था वो ज़रूर बढ़ता था, पर रात का तापमान ज़रूर ही आपका नीचे आ जाता था। क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब मेरे बाल काले थे तो मैं छत पे सोया करता थे उस जमानों में, तो रात को आराम से सोते थे, ना कोई एसी था, ना कोई कूलर था, ना कुछ था। आज की डेट में तो अगर आप ये सोचें कि आप बाहर लॉन में जाकर सो जाएं या छत पे जाकर सो जाएं तो वो इम्पॉसिबल है। सर, जल्दी से मैं चाहूंगी कि एक संदेश जरा आज की जनरेशन को आप दें कि कैसे आज भी वक्त है कि संभल जाएं, बच जाएं, क्या करें लोग। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि तीन काम करने हैं। नंबर एक, जो हमारे हमारी प्रकृति के तीन अंग हैं, एक है आपका पेड़ है, दूसरा आपकी नदियां हैं, और तीसरे आपकी जितनी भी वेटलैंड्स हैं, ये तीन हैं। इनको हमको बचा के रखना है और उसका संरक्षण के लिए हमें अपनी जी तोड़ मेहनत करनी है आज की डेट में, क्योंकि सरकार की जो नीतियां हैं उनमें मुझे कहीं नज़र नहीं आता कि वो कोई ऐसा काम कर रहे हैं। सड़क बनानी है, पेड़ काट दीजिए, आँख बंद कीजिए और पेड़ काट दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको सड़क थोड़ी लंबी